हम नहीं कहते हैं ठीक है सरकार जो कर रही है ओएसडी लगाए, जो चेयरमैन बनाओ, वाइस चेयरमैन बनाओ, सीपीएस बनाओ, हमारे को उससे नहीं मतलब, हमारे को मतलब है अपने हक से। लेकिन यहाँ पे दो मंत्री के लिए अलग से नई बिल्डिंग, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, उसकी एडिशनल अल्टरेशन करने के लिए एक मंत्री ने 40-40-50-50 लाख एडिशनल अल्टरेशन हो रही है, क्या जरूरत थी? देखिए ऐसा है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार डीए देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई ना कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है, और वैसे तो क्या होता कि ससुराल वाले ज्वाइन को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आएँ। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे अभी क्या, तो मैंने कहा सर साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है, और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए, वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि एक आलू जो हर घर में बनता है उसकी कीमत भी 50 रुपये किलो मिल रहा है, बच्चों की फीसें बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन जो महासंघ है, इसमें हमारी 5 एसोसिएशन हैं, जैसे ऑफिसर एसोसिएशन की जो हमारी प्रेसिडेंट है गीता जी हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी अपने ज्योति जी हैं, इसी तरह पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के जो प्रेसिडेंट हैं तुलसी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी बोधराम चंदेल जी हैं, और इसके बाद हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमर जी और जनरल सेक्रेटरी सतीश जी हैं, इसी तरह क्लास 4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बैठे हैं, टेकराम जी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिल जी हैं, तो हम 5 एसोसिएशन का आज हमारी यहाँ पे मीटिंग है, और हम एक वैसे भी हमारी डीए और एरियर को छोड़ के हमारा जो आज मुद्दा है उसका नहीं है मैन, वो है जो सचिवालय की हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं, यहाँ पे मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो सचिवालय है यहीं से पूरे प्रदेश का वो चलता है, शासन चलता है, पूरा प्रदेश सरकार यहीं से चलती है, लेकिन सचिवालय में ही क्लरिकल की यानी कि क्लास 3 की 350 पोस्टें खाली हैं, लॉ ऑफिसर की 18 पोस्टें खाली हैं, पीए प्राइवेट सेक्टर की 70 पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 की 250 पोस्टें खाली पड़ी हैं, जब यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा स्टाफ नहीं भरा है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे कई इतनी हैवी ब्रांचेज हैं कि हमारा एक जो कर्मचारी है 3-3 सीटों का काम कर रहा है, तो पहली डिमांड तो हमारी यही है सरकार से कि यहाँ पे पोस्टें भरी जाए, इसके लिए हमने उनको सुझाव दिया था, 1962 पोस्ट कोड है, उसमें 82 लोग सचिवालय में आने थी, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन सचिवालय की जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हम उनसे भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं कि जिस तर्ज पे आपने 817 कोर्ट के जो 1800 जीओ को आप भर्ती दे रहे हैं, उसी तरह जो हमारे जो 82 पद जो 82 लोग यहाँ पे आने हैं उनको भी आप उसी कंडीशन पे उसी एनोलॉजी पे उनकी भी आप यहाँ पे भर्ती करवा दो ताकि कुछ राहत मिले। दूसरा, हमने 150 पोस्टें मांगी थी कि 150 पोस्टें फर्स्ट फेज में भर दी जाए, लेकिन कैबिनेट ने वो भी 50 पोस्टें की। मतलब मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से